हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले कैनवस पेंटिंग। तो आप लोग ये रेफरेंस देख लीजिए, तो हम इस रेफरेंस से थोड़ा बहुत पार्ट लेंगे और उसको कुछ अपना स्टाइल करके बनाएंगे। तो आप इसमें बने रहना, एक एक स्टेप देखना, एक भी स्टेप मिस मत करना। यहाँ आप कैनवस छोड़ के और कुछ भी ले सकते हैं, पेपर शीट पे भी इसको बना सकते हैं या कोई भी शेप का कैनवस ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्वायर शेप का मिनी कैनवस लिया है, सो लेना। तो यहाँ पे हमने फेवी एक्रिलिक कलर्स यूज़ किए हैं। ये हमारा फर्स्ट फेवी एक्रिलिक वाइट था, ये हमारा ब्लू कलर है, नेक्स्ट वन हमारा येलो पेंट है, देन हम और यहाँ पे ये जो कोट्स हैं मैं ऊपर मेंशन कर दूँगी, बिकॉज फिर कलर ऑल्ट्रेशन आ जाता है जिसकी वजह से पेंटिंग उतनी निखर के नहीं आ पाती। दिस वन इज़ ब्लैक एक्रिलिक। सो गाइज, इसका एक आप जानती होगी, अगर आप बिगिनर भी हैं और आप नॉर्मली भी बनाते हैं तो आपको पता होगा, ये फेवी एक्रिलिक का पूरा बॉक्स भी आपको मिल जाता है। ये ग्रीन है। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन कि आने वाली फ्यूचर की सारी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन आ सके। एंड सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे तीन टाइप के ब्रशेस आपके पास होने चाहिए, जो एक फाइन वर्क के लिए यूज़ आ सके, लाइक 3 नंबर के अराउंड आएगा वो आपका, और 8 नंबर का रखें थोड़ा सा वाइट के लिए, और वाइट के लिए आप रख सकते हैं ब्लेंड करने के लिए 10 नंबर का पेंट ब्रश। सो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है वाइट कलर, मैंने ऐड किया है थोड़ा सा अल्ट्रा मरीन ब्लू कलर में, जो 23 इसका कोड है, ठीक है। इन केस गाइस, इफ़ यू वांट टू मेक इट लुक मोर प्रीटियर, तो आप इसमें थोड़ा सा ना ब्लेंडिंग इफ़ेक्ट ज़्यादा डालें, और जहाँ पे थोड़ा सा आप थोड़ा सा गीला छोड़ दें, या आपके पास स्प्रे हो आप स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे एट लास्ट जो हम ब्लेंडिंग करें दूसरा कलर होने तक, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि वो वाला कलर सूख जाता है, तो इसलिए ऐसा करें कि वो थोड़ा सा लाइक एजिस टाइप में उसमें थोड़ा सा वो वेट रहे, जिससे कि हम जो दूसरा कलर उस पर ऐड करें तो वो उसमें ब्लेंड हो जाए, ज़्यादा वैसा ना दिखे, ऊपर ऊपर से ना दिखे। सो गाइस, आप अच्छे से बनाते रहें और मेरे साथ बने रहें एंड तक। सो या
सो हियर गाइस, हम इसकी बॉटम को कवर करने के लिए ग्रीन और ब्लैक का कॉम्बो बनाएंगे जो कि हमारा डार्क ग्रीन में कन्वर्ट होगा, जिससे हम इसकी बॉटम को कवर करेंगे। एंड गाइस, इफ़ यू वांट मी टू शेयर द वीडियो जिसमें मैं आपको कॉम्बिनेशंस बताऊं कि कितनी क्वांटिटी में कौन सा कलर हमें यूज़ करना है कोई न्यू कलर फॉर्म करने के लिए, तो आप मेरे को कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें एंड आई विल शेयर इट सून विद यू गाइस। ओके, सो
like my video, so do share and subscribe my channel. Bye bye.